इधर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोकारो प्लांट में लगातार ऑक्सीजन तैयार की जा रही है। 25 अधिकारी और 145 मजदूर बिना रुके दिन रात यहां काम करते हैं ताकि देश को 150 टन ऑक्सीजन हर रोज मिल सके। अपना टारगेट पूरा करने से पहले प्लांट में मजदूर खाना तक नहीं खा रहे। प्लांट के अंदर 8-8 घंटों की शिफ्ट में मजदूर लगातार काम कर रहे हैं, तो वहीं शहर-शहर सामाजिक संगठन के लोग घर घर ऑक्सीजन बांट रहे हैं। कैसे कोरोना काल में देवदूत लोगों ने नई जिंदगियां दी, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। काले टी शर्ट धारी ये लोग यूं ही ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा करते हैं, उसमें रेगुलेटर लगाते हैं, कार में लादते हैं और घूम घूम कर सांसों के लिए मशक्कत कर रहे जरूरतमंदों तक संजीवनी पहुंचा रहे हैं। संक्रमण के आक्रमण के बीच भुवनेश्वर में ये लोग यूं ही लोगों तक ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर पहुंचा रहे हैं और ऐसा तब से कर रहे हैं जब से प्राण वायु के लिए हाहाकार मचा है चारों तरफ, जब से लोग तड़प रहे हैं। तब सिख एड नाम से संगठन चलाने वाले ये लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। जिनको डॉक्टर्स ने रेफर किया कि आप घर पे रह के ऑक्सीजन सिलेंडर पास में रखिए इमरजेंसी के लिए और आप क्योर हुई है, उन्हीं की कोविड सिचुएशन स्टडी करके, ऑक्सीजन लेवल स्टडी करके हम उन लोगों को घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टॉल करके उनके घर के बाहर छोड़ के आते हैं। इसके साथ ही हम उन्हें ऑक्सीमीटर्स, मास्क, सैनिटाइजर्स और अगर उनको ग्रॉसरी की हेल्प चाहिए होती है, मेडिसिन की हेल्प चाहिए होती है, वो भी हमारे वॉलंटियर्स मार्केट से प्रोक्योर करके उनके बाहर घर के बाहर छोड़ के आते हैं। कोरोना कोहराम के बीच जब समूचा देश ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहा है, तब मुंबई में ये शख्स देवदूत बनकर अमृत बांट रहा है। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले पुरजी पटेल अपने एनजीओ के जरिए अंधेरे में उम्मीदों की ज्योति फैला रहे हैं। पिछले कई दिनों से पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी है, तो हमने एक छोटे से शुरुआत किया। आज हमारे पास 300 जितनी मशीन है, कम से कम 150 मशीन मरीजों को लगी हुई है। ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की जान जाती है आपको पता है, हमने कम से कम 100-150 लोगों की जान मशीन की वजह से बच गई होगी। हम लोग 24 घंटा इसकी सेवा देते हैं। मुंबई में पुलिस भी आम लोगों को जोड़ रही है वायरस के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध में। वर्दी वाले कोरोना वॉरियर्स की मदद करने के लिए मुंबई पुलिस ने 1100 नागरिकों को बतौर स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया। ये लोग सील बिल्डिंगों, मार्केट और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नजर रखेंगे। 1100 नागरिकों को बतौर मुंबई स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। मुंबई पुलिस ने ये बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि देखिए ये तमाम पुलिसकर्मी जो हैं दिन रात सेवा में जुटे हुए हैं, कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और सील बिल्डिंग साथ ही साथ मार्केट भीड़ भाड़ वाली जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में मुंबई पुलिस पर बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी बोझ को कम करने के लिए अब 1100 नागरिकों की मुंबई पुलिस में भर्ती की जा रही है। हालांकि इन लोगों की बैकग्राउंड चेकिंग की जा रही है, पहले किसी पर भी कोई भी आपराधिक मामला दर्ज है तो ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। मुंबई की तरह दिल्ली में भी कोरोना की चोट से हल्का नहीं, लोग परेशान हैं। दिल्ली में आईटीबीपी ने छतरपुर के इलाके में अस्थायी अस्पताल बनाया है लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। इसी अस्पताल में डॉक्टरों की ऐसी फौज दिन रात काम में लगी है जो उत्तराखंड गई थी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन बीच में लौट आए लोगों की सांसों को महफूज रखने के लिए। ये है कि लैक ऑफ मेडिसिन हो रही हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन सप्लाई, तो हम यहाँ पे अपने SPCCC में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें पेशेंट को और जितना हो सकता है विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू। वी वर कॉल्ड इन कोविड क्राइसिस टू सर्व द नेशन एंड वी आर डूइंग दैट। वी हैव वर्कड हियर बिफोर आल्सो एंड विल दिस टाइम अगेन विल बी वर्किंग ऑन इट एंड विद डबल विगर एंड डबल वैलर। कोरोना को काबू करने के लिए दिन रात डॉक्टर जुटे हैं, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, कहीं नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है। इस आफत काल में आम आदमी अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद कर रहा है। गुजरात के मेहसाणा में गांव के लोगों ने कम्युनिटी स्टीम सेंटर की शुरुआत की है।
3000 की आबादी वाले इस गांव में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग अभी भी संक्रमित हैं। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए ये कम्युनिटी स्टीम बूथ लगाया गया है, जहां गांव वाले बिना पैसे दिए स्टीम ले सकते हैं। जब देश सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जब मुश्किलें अनंत, कोरोना से पार पाना मुश्किल लग रहा है, तब ये लोग देवदूत बनकर घूम रहे हैं। कोई स्टीम दे रहा है, कोई ऑक्सीजन बांट रहा है, कोई दिन रात इलाज कर रहा है, तो कोई उन कायदों को देख रहा है जो कोरोना से लड़ाई में कारगर साबित हो सकता है। यकीन मानिए, यही हिंदुस्तान की ताकत है और यही ताकत वायरस पर विजय दिलाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।